हेलो गाइस, योगा ऑफ द डे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेट गेन करने के लिए कुछ आसन। जिस तरह 100% व्यक्तियों में से 70% व्यक्ति वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या अपने वजन बढ़ने से परेशान हैं, उसी तरह 20% व्यक्ति वजन ना बढ़ने के लिए परेशान हैं। बस 10% व्यक्ति ही हैं जो फिट हैं या ना वजन कम करना चाहते हैं ना ही बढ़ाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कुछ ऐसे आसन जिससे आप अपना वेट आसानी से गेन कर सकते हैं। वज्रासन के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं, टोज मिलाएं और हील्स में गैप रखें। धीमी सांस लेते हुए हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। नी पेन या ऑपरेशन और नी रिप्लेसमेंट वाले व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसन के लिए पद्मासन लगाएं और पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को गर्दन में कंधे के पास रखें। कमर और गर्दन में घुमाव बनाते हुए सर को जमीन पर रखें। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को ग्रिप करें और कोहनियां जमीन पर लगाएं। जिन व्यक्तियों को घुटने की समस्या है या पद्मासन नहीं लगता, वह यह आसन पैरों को सीधा करते हुए तथा हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर खींचते हुए या जमीन पर लगाते हुए करें। पवन मुक्तासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें और हाथों से पैरों को अच्छे से ग्रिप कर लें। पैरों का दबाव पेट की ओर बनाए रखें। चिन को घुटने के साथ लगाएं, श्वास धीमी रखें। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल है या गर्दन में किसी भी तरह का दर्द है, वह यह आसन सर को जमीन पर रखते हुए करें। सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले हलासन की स्थिति में आएं। अब दोनों हाथों को कमर पर रखें और पैरों को 90° लेवल पर ले आएं। पंजों को बाहर की ओर खींचें, श्वास धीमी रखें। सर्वांग आसन में गले पर अधिक दबाव आता है, इसलिए इस आसन को टाइम लिमिट के हिसाब से ना करके बल्कि बॉडी के कंफर्टेबल लेवल से ही करें। कमर व गर्दन में अधिक दर्द वाले व्यक्ति इस आसन को अवॉइड करें। सूर्य नमस्कार के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके सूर्य नमस्कार को अच्छे से जान सकते हैं।